डायरेक्टली बोल रहे ये पूरा खानदान मर जाएगा, तुम मर जाएगा, तुम मर जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। खुद पहले आप बोले क्या? बोले से हमारा शरीर फूल रहा है, हम दवा लेना है, कोई आदमी मर जाएगा। आपका नाम क्या है मैम? आप बोले हैं, आपका नाम क्या है? राजकुमारी बोली है ये कि दवाई दोनों का झड़फर हो रहा है, सुने ना, झड़फर हो रहा है। यही आदमी है जो की बोल रहे थे कि मर जाएगा, तू मर जाएगा, यही यही महिला है, यही आशा बनती है, मेरे जैसा इसको बेटा भी होगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। कहाँ घर? जवाबीपुर। जवाबीपुर। आपका टीवी का दवा नहीं मिला है? दवाई मिला था एक हफ्ता पहले, लेकिन हमको दवाई साहब से समझना था। कटाने के लिए गए थे। हाँ तो पुर्जा नहीं कटा है? पुर्जा नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा है? बोलिए, अभी अभी आधा घंटा पहले नहीं बोला कि पुर्जा ऐसा बंद है, ऐसा लोग बोले कि बंद है, पुर्जा नहीं कटेगा। हम लोग इमरजेंसी से मर रहे हैं, हम लोग भी समस्या है, एक महीना से हड़ताल में। बारह तारीख से हम लोग अभी अनिश्चित हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके लिए हमारे नहीं नीतीश कुमार सरकार सुन रहे हैं, नहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग से हमारे तेजस्वी यादव सुन रहे हैं। क्या हम लोग रोड पर निकल गए? हमारी कोई गरिमा नहीं है, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है? 78 रंग भी काम आशा से लिया जाता है। ये जो हाजक हम लगा करके अपने वार्ड में स्वास्थ्य में जा करके स्वास्थ्य को जागृत कर घर घर जा करके सुई दवा करा करके ठीक किया है, उसमें भी हमारी कितनी आशाओं पर नोक वाले को क्यों नहीं दवा दिया जा रहा है? इमरजेंसी वाले को कोई रोक टोक नहीं है। टीवी वाले को क्यों नहीं दिया गया? उसका मिल रहा है दवा? नहीं मिला है दवा उसको, तो मिली है, कोई बातें नहीं है। इमरजेंसी को हम लोग कभी नहीं रोके हैं। नौ सूत्र का मांग है जो सरकारी कर्मचारी घुसी फूस के निकाले, हमारा नियमता जो मजदूर का मिलता है दिन रात हमसे खटवाया जाता है, हमको नियमता मजदूरी के रूप में हमारे सरकार घोषित करे, हमारे सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोग का जहाँ भी जाते हैं उसका भिलाई से जाते हैं, हम लोग का भिलाई का भी महत्व है, मगर हम लोग का कोई महत्व नहीं है। इसके लिए हमें सरकार जितनी जल्दी हमारी मांग को पूरी करे, उतनी जल्दी हम अपने काम को इतना अच्छा से कर रहे थे उससे बेहतर रूप में हमारे स्वास्थ्य विभाग को हम काम करेंगे।